यस सर। तो ये प्रोसेस प्लानिंग का जो है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ना, कि प्रोसेस प्लानिंग को समझने के लिए बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हम लोग किसी भी मशीन में, कोई जैसे कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, तो उसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो इनपुट कहाँ डालते हैं, तो इनपुट में क्या होता है ना, जो भी कोई भी किसी भी जो भी प्रोडक्शन सिस्टम का कुछ उसमें मतलब उसमें बहुत सारा उसमें उसके एक्टिविटी को मैनेज करना होता है। कैसे होता है, जैसे कोई भी चीज़ प्रोडक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग के बाद उसको हम लोग जो है उसका रेप्लिका तैयार करते हैं, है कि नहीं, पैटर्न उसको हम बोलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसका उसके आधार पर जो है हम लोग एक मोल्ड कैविटी बनता है। मोल्ड कैविटी के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसमें मटेरियल को, हम लोग लिक्विड मेटल को उसमें पोर करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, जब वो मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है, तो फिर वहां से उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। फिर मशीनिंग करते हैं, मशीनिंग के बाद उसका फिर फाइनली क्या होता है, वो प्रोडक्शन से बाहर निकलता है और फिर वो मार्केटिंग के लिए, वो जो भी उसका प्रोडक्शन, जो उसको हम लोग इंडस्ट्री में उसको सप्लाई करने का, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो भी मैनेजिंग मैनेजिंग ऑफ इंटायर प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब जो भी इनपुट है, जो भी तुम्हारा इनपुट्स है, वो सारे इनपुट्स को मैनेज करके उसमें जो भी उसका स्टेप्स है उसको फॉलो करते हुए हमको आउटपुट की तरफ पहुंचना होता है। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस प्लानिंग, इसीलिए नाम इसका पड़ा है प्रोसेस प्लानिंग। तो प्रोसेस प्लानिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स एंड स्ट्रेटजी, मतलब प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज दैट विल अलाउ योर बिजनेस टू इफेक्टिव साइज अपॉर्चुनिटीज एंड मीट चैलेंज्ड हेड ऑन। देखो इसमें क्या होता है ना, इट इज कंसर्न विद, यहाँ पे यहाँ दे फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज कंसर्न विद मैनेजिंग एन इंटायर प्रोडक्शन सिस्टम विच इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स इनपुट टू आउटपुट, है कि नहीं। तो कहने का मतलब, जो भी हमारा जो भी जो इंटायर हमारे जो मैनेजिंग सिस्टम में जितना भी एक्टिविटीज है, उस सारे एक्टिविटीज को हमको क्या करना होता है, उसको हमको एक प्रॉपर वे में मैनेज करना होता है, ताकि जो भी हमारा इनपुट है उस इनपुट से क्या है, हम लोग डिजायर आउटपुट की तरफ हम लोग बढ़ पाए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग की, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के लिए जो बेसिकली क्या होता है, इसमें उसको उसको तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, ये प्रोसेस प्लानिंग होता है ना, इसको हम लोग प्रोसेस प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, है कि नहीं। किसी भी चीज़ को हमको यदि प्रोसेस प्लानिंग करना है, तो इस तरह से हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कैसे, हम लोग बता रहे थे जैसे जैसे कोई पार्ट्स प्रोड्यूस करना है, तो प्रोसेस प्लानिंग मतलब क्या हो गया, उस पार्ट्स को प्रिपेयर करना, उसको फिर उसको हम लोग फर्दर जो भी उसका प्रोडक्शन करके उसको हमको मार्केट में सप्लाई करना है, दिस ऑल आर एक्टिविटीज। तो कहने का मतलब कि प्रोसेस प्लानिंग को जो है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट, इसका तीन इसका स्टेप्स है। पहला होता है आप ये मटेरियल प्रोसेसिंग, दूसरा होता है प्रोसेस इंजीनियरिंग, एंड थर्ड होता है मशीन बुकिंग, है ना। तो ये तीन इसका मेन एक्टिविटी होता है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मटेरियल प्रोसेसिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मशीन बुकिंग। इट इज डिफाइंड एज द सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सन ऑफ डिजाइन डाटा टू वर्क इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो जो प्रोसेस प्लानिंग है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ डिजाइनिंग का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी डिजाइनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको जो फाइनल जो यहाँ पर जो प्रोसेस प्लानिंग में, यहाँ पर मशीन टूल का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मशीन टूल से क्या करते हैं ना, हम लोग अलग अलग जो मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, जैसे मशीन टूल से, जैसे कि हम लोग जैसे क्या बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, जैसे कोई भी शाफ्ट है, उस शाफ्ट के डायमीटर को हमको रिड्यूस करना है, तो वहाँ टर्निंग ऑपरेशन के लिए हम लोग वहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स यूज करते हैं। फिर उसमें कहीं कटिंग करना होता है, मिलिंग करना, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, तो इसमें मशीन टूल्स का इसमें भी इसमें इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से प्रोसेस प्लानिंग को जो है हम लोग जो है, मतलब डिजाइन हो गया, मशीन टूल्स हो गया, शेड्यूलिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, है कि नहीं। तो उसमें जो है उसका जो प्रोडक्शन के लिए जो उसका जो मतलब जो उसका शेड्यूलिंग होता है, उसका इस सब का हम लोग भी यहाँ पे हम लोग इसका मतलब इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग यूज करते हैं। अब देखो प्रोसेस प्लानिंग में क्या होता है, प्रोसेस प्लानिंग इज द की एलिमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट फोकस ऑन सिलेक्टिंग रिसोर्सेज फॉर यूज इन एग्जीक्यूशन कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। कहना मतलब क्या, जो भी हमारा सिलेक्टिंग रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होता है ना, उस रिसोर्सेज को एक प्रॉपर वे में हमको उसको क्या करना होता है, यूटिलाइज करना होता है। कोई भी प्लानिंग, कोई भी तुम्हारा प्रोसेस, किसी भी तरह का तुमको प्रोडक्शन करना है, कोई भी काम करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हमको रिसोर्सेज हमको हमको देखना होता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। उस जो वट एवर रिसोर्सेज यू हैव टू यूटिलाइज दैट रिसोर्स इन प्रॉपर वे, ताकि वो प्रोजेक्ट का जो है ना, वो क्या हो, पूरी तरीके से वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो सके, है कि नहीं। कोई भी काम तुम करते हो, जैसे कि तुमको जैसे कि घर, जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, यदि यदि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही करना होता है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, हमारे पास हमको फंडिंग की जरूरत होती है। उस फंडिंग से क्या करते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल्स परचेजिंग करते हैं, फिर उस रॉ मटेरियल से क्या करते हैं हम लोग, फिर उसको प्रॉपर वे में
स्टेप बाय स्टेप हम उस क्या करते हैं, उस जो भी हमारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उस रिसोर्स को हम क्या करते हैं, प्रॉपर वे में यूटिलाइज करते हैं, है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब देखो, इन इन मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग आल्सो इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग द जनरल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मतलब कहने में जो भी हमारा स्टेप्स है ना, जनरल सीक्वेंस को, सारे स्टेप्स को हमको एक फॉलो करना होता है। दैट बिगिंस विथ एक्विजिशन ऑफ मटेरियल्स एंड इन विथ दिस क्रिएशन प्रोडक्ट। कहने मतलब कि जो भी हमारा जो स्टेप्स है वो सारे जो स्टार्टिंग्स उस स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ताकि क्या हो, ताकि एंड में हम जो जो प्रोडक्ट हम लोग हम हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा डिजायर है, वो डिजायर तक हम पहुंच पाए। इस तरह से हम लोग प्रोसेस प्लानिंग को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। प्रोसेस प्लानिंग इज द एबिलिटी टू इंटरप्रेट, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया हुआ। तुम इसको एक अच्छे से एक बार तुम इसको डिवाइड कर लोगे तो इसमें सब क्लियर है। पॉइंट्स बहुत सिंपल पॉइंट्स है। इट इज एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। अब देखो, क्योंकि कोई भी प्रोसेस प्लानिंग है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी यहाँ पे मतलब जो उसका इंटरप्रिटेशन तुमको पता होना चाहिए। जैसे कैसे हम लोग, जैसे कि तुम अभी तुम जाओगे, जैसे कि तुम्हारा ये मीन्स अभी मशीन डिजाइन का पेपर होगा, तो मशीन डिजाइन में क्या होता है, वो अलग अलग पार्ट्स का जो होता है ना, जैसे कि उसमें जैसे फ्लैंज है, कपलिंग है, बोल्ट्स होता है, उस सबको क्या करते हैं हम लोग एक डिजाइनिंग, तो उसमें हम हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी हमारे पास उस अच्छे से उसमें तुमको एक इंटरप्रिटेशन का तुम्हारे पास एबिलिटी होनी चाहिए, है कि नहीं। दिस इज फैमिलियर विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिस एंड टूल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिस के बारे में ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोसेस प्लानिंग में जो है, मतलब यू आर सपोज टू बी फैमिलियर विद दिस देयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिसेस। मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब क्या होगा, जैसे कास्टिंग होता है, कास्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग है, मिलिंग है, अलग अलग प्रोसेस, कटिंग होता है, फिर उसमें फोर्जिंग, अलग अलग जो भी प्रैक्टिसेज होता है ना, उस सारे प्रैक्टिस मतलब उसे जो प्रोसेस से तुमको फैमिलियर होना होता है, और उसमें जो टूल्स यूज करते हैं अलग अलग टूल्स के बारे में तुमको जान। जैसे हम लोग कैसे हम लोग कटिंग ऑपरेशन करते हैं, तो कटिंग में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग यूज करते हैं। तो सिंगल पॉइंट यदि हम लोग हमको यदि टर्निंग ऑपरेशन करना है और जो हमको कोई ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, तो उस कंडीशन में जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का हमको सारा पैरामीटर्स के बारे में मीन्स यू आर सपोज टू नो दिस ऑल पैरामीटर्स। लाइक उसमें देखते हैं उसमें बैक रेक एंगल होता है, साइड रेक एंगल होता है, इन रिलीफ होता है, रिलीफ मीन्स एंगल होता है, साइड रिलीफ एंगल होता है, इन कटिंग एज एंगल होता है, साइड कटिंग एज एंगल होता है, नोज रेडियस होता है। क्या नहीं? मतलब जो भी टूल्स का जो भी उसमें जो भी उसका जो नोमेनक्लेचर है, टूल्स का क्या फंक्शन है, टूल्स में किस तरह से यूज करना है, ये सारी चीजों से तुमको जो है मीन्स फैमिलियर होना। नो व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द शॉप। कहना मतलब तुम्हारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज तुम्हारे पास मीन्स अवेलेबल है। कोई भी काम लोग करते हैं, जो कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करना है, तो उसमें जो है हमारे पास ये देखना होता है कि हमारे पास रॉ मीन्स हमको जो रॉ मटेरियल्स है, उस रॉ मटेरियल्स में क्या क्या रॉ मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास शॉप में हमारे पास कौन कौन से रॉ मटेरियल्स में अवेलेबल है, इस तरीके से जो है हम लोग देखते हैं। नो हाउ टू यूज रेफरेंस बुक्स। अब देखो, रेफरेंस बुक्स मतलब क्या हो गया, जैसे रेफरेंस बुक्स जर्नल्स वगैरह होते हैं, जैसे बहुत सारी चीजों में क्या होता है ना, हम लोग कुछ लेटेस्ट में हम जैसे कोई भी पार्ट्स बनता है तो हम लोग ये देखते हैं। जैसे कोई कैसे तुम लोग कोई जैसे एमटेक या पीएचडी कर दो, जैसे पीएचडी वगैरह होता है या कोई रिसर्चर होता है, रिसर्चर क्या करता है ना, जो जो भी जहां तक कोई काम हो चुका होता है उससे उसको क्या करना होता है, उसको आगे बढ़ाना होता है। तो कहना मतलब कि कोई भी चीज हमको जो हमारे पास रेफरेंस बुक्स है, जर्नल्स है, तो उन सब चीजों को हमको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसा भी हम तुमको बोल रहे हैं कि भाई जो जैसे तुमको अभी तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा मेन टारगेट है कि जो भी तुम्हारा सिलेबस, उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करके उस पर ग्रिप करना, तुम्हारा समझ लो कि यही तुम्हारा एक तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमको हम तुमको अलग अलग तुमको स्टेप्स बताया ना कि तुम मतलब बेसिक बुक रखो, रेफरेंस बुक रखो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन बैंक्स के लिए, तो ये सारा जो तुम्हारे पर रेफरेंस बुक है तुमको कैसे तुमको यूज करना, तुम एक एग्जाम्पल तुम रख लो कि जैसे तुम्हारा अभी अभी का तुम्हारा एक गोल ये है कि तुमको एक अच्छे से तुम्हारे पास जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हारा कोर्स कंटेंट हो, तुमको अच्छे से उसमें एक अच्छा तुम कंसेप्ट चाहिए, ताकि तुम उससे आने वाले कोई भी कॉम्पिटिशन है, जैसे गेट है, इंजीनियरिंग सर्विस है, सिविल सर्विस, कोई भी एग्जामिनेशन तुम अपीयर हो, तो तुम्हारे तुम अच्छा स्कोर कर सको। तो जस्ट समझ लो कि तुम्हारे पास ये प्रोजेक्ट है, तो उसमें तुम कैसे तुम उसको रेफरेंस बुक को यूज करते हो, तो क्या ना रेफरेंस बुक का यूज करना भी तुम्हारे पास पता होना चाहिए। प्रोसेस प्लानिंग इसमें क्या है, टू ट्रांसलेट डिजाइन रिक्वायरमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिटेल। ऑब्वियस है कि हमको मतलब जो भी उसका मतलब एक जो जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो डिटेल्स है, उसका क्या क्या उसका मतलब हाउ टू ट्रांसलेट द डिजाइन रिक्वायरमेंट, उसका डिजाइन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग फैक्ट्री ऑफ सेफ्टी निकालते हैं, कैसे डिजाइनिंग मतलब किसी भी चीज़ का जैसे डिजाइनिंग होता है, तो आप लोग देखते हैं कि उसमें कितना उसका
वर्किंग स्ट्रेस है, कितना अल्टीमेट स्ट्रेस है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना मैक्सिमम लोड उस पर पड़ सकता है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो टू ट्रांसलेट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, मतलब कहने मतलब हमारा जो डिजाइनिंग होगा तो उसमें किस किस तरह से उसका रिक्वायरमेंट है उसके बारे में तुमको भी, यू आर सपोज टू फैमिलियर विद इट। कैसे हम जैसे बोलते हैं बाइक को बोलते हैं टू व्हीलर बोलते हैं, मोटरसाइकिल को क्या बोलते हैं, टू व्हीलर, हम लोग उसको बोलते टू, मतलब उसको मतलब टू व्हीलर बोलते हैं। लेकिन कभी कभी उसमें देखते हैं कि उस पर दो चार पांच लोग बैठते हैं तो ऐसा मतलब उस कंडीशन में भी चेसिस क्रैक नहीं करता। तो कहने मतलब क्या हो गया, बेसिकली बाइक जो डिजाइन किया हुआ दो आदमी के लिए बैठा हुआ, तो उस दो आदमी का वेट जो है कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर कंपनी क्या करती है, जो वहां पर डिजाइनिंग होता है तो वहां पर देखा जाता है कि मिनिमम वेट कितना हो सकता है। मतलब यदि कोई बाइक यदि कोई चला रहा है, यदि कोई टू व्हीलर कोई ऑपरेट कर रहा है, यदि कोई चला रहा है, तो उसमें ये देखा जाता है कि मिनिमम कितना उसका वेट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना उसमें 300 kg वेट तक को उसको मतलब लोड करने की कैपेसिटी होती है। एक टू व्हीलर का जो चेसिस होता है ना उसमें उसमें मतलब अप्रोक्सीमेट 285 kg तक का उसका कैरिंग होता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि मतलब उसमें कोई दो आदमी बैठेगा तो उसका वेट जो 285 kg होगा। वेट तो कहने का मतलब ये होता है कि उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हम लोग उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, जो एक वर्किंग स्ट्रेस है और एक होता है अल्टीमेट उसमें कितना उस पर लोड मैक्सिमम पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में जो है जो भी वहाँ डिजाइन रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग ट्रांसलेट करने का भी उसमें पता होना चाहिए। इट एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ऑब्वियस है कि भाई हमको अब डिजाइन हो गया, डिजाइन के बाद क्या करना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है। तो कहने मतलब जो बेसिक जैसे कैसे होता है कि हम लोग जैसे मशीन डिजाइन करते हैं, तो डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले कैसे, अब जैसे तुमको जैसे एक घर बनाना है, सपोज अगर कोई ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक आर्किटेक्ट से मिलना होता है। तो आर्किटेक्ट क्या करता है ना, एक हमारे जो जो हमारा कंस्ट्रक्शन है उसका एक प्रोटोटाइप बना के हमको दे देता है, भाई आपको इस तरह से डिजाइन करना है, उसका पूरा लेआउट आपको बता देगा, ये इसका एंगल है, इसका प्लान एलिवेशन, एक एक चीज आपको बता देगा। अब उसको क्या करना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है। तो कहने मतलब वो जो हमारे पास एक मॉडल आया, उस मॉडल को क्या करना है, उस प्रोटोटाइप से हमको एक हमको कंस्ट्रक्ट करना है, एक हमको एक कंस्ट्रक्शन को तैयार करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिजाइनिंग के लिए हो गया कि जो भी डिजाइन के लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, सारा जो कंसेप्ट है, बेसिक रेफरेंस बुक है, ये सब चीज तुम्हारा रॉ मटेरियल्स हो गया, ये सब डिजाइन का पार्ट हो गया कि भाई इस डिजाइनिंग के लिए इतने सारे चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट यही प्रोसेस प्लानिंग क्या करता है ना, एक ब्रिज का काम करता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि आखिर उसको किस तरह से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको डिजाइनिंग से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम लोग उसको ले जाए। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इन टू पार्ट। ऑब्वियस है कि कोई भी काम, जैसे कि हम लोग जैसे बात कर रहे थे, जैसे हमको कोई भी कास्टिंग करना है, तो सबसे पहले वहां पर क्या होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस रॉ मटेरियल का सिलेक्शन हम लोग करते हैं, कि भाई जो अब अलग अलग पर्पज के लिए रॉ मटेरियल अलग अलग होगा। यदि यहाँ जहाँ पे यदि हमको जैसे कि हमको कोई हैवी मशीन का फाउंडेशन बनाना होता है, जैसे क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री बड़ा बड़ा हैवी मशीन होता है, तो उसका फाउंडेशन तैयार होता है, तो उसका कास्ट आयरन का होना चाहिए। क्यों? चूंकि कास्ट आयरन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। यदि हमको किसी कोई ऐसा जैसे कि कोई ट्रस डिजाइनिंग होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो कहने मतलब अपने पर्पज के अकॉर्डिंगली हम लोग अलग अलग रॉ मटेरियल्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कि आपका रॉ मटेरियल कौन सा रॉ मटेरियल हमको चाहिए, सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंड ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स का जो उसका प्रोडक्शन होता है, मतलब कहने मतलब डिजाइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रोसेस प्लानिंग का जो है अब देखो हो गया, बेसिक हो गया, इतने सारे पॉइंट्स जो हैं इसको ध्यान रखना है प्रोसेस प्लानिंग का। अब फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस प्लानिंग, प्रोसेस प्लानिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला होता है शेप एंड साइज, दूसरा होता है ऑब्वियस है कि शेप एंड साइज का बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कैसे लोग बोलते हैं कि नहीं हमको जो है हमको एक साफ बनाना है, उसका ये डायमीटर इतना होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है ना उसका कस्टमर का टॉलरेंस जो ये है, कस्टमर जो है कस्टमर को इतना मिनिमम डायमीटर से मिनिमम लिमिट ये चाहिए, मैक्सिमम लिमिट ये चाहिए, कैसे हम वहाँ पर देखते हैं कि उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो एक उसका एक टॉलरेंस जो बना हुआ है, तो शेप एंड साइज का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है कि जो कस्टमर का जो डिमांड है वो हमारा प्रोडक्शन क्या उसको मीट करना चाहिए, तो शेप एंड साइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सरफेस फिनिश ऑब्वियस है कि जो हमारा जो 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 मार्केट में हम सप्लाई करते हैं उसका सरफेस फिनिश भी अच्छा होना चाहिए, टॉलरेंस जो होना चाहिए बिल्कुल उसका जो जिस रेंज में जो कस्टमर का वो है, ऑब्वियसली कि शेप एंड साइज से लिंक्ड है, उसका टॉलरेंस उसका जो स्पेसिफाइड टॉलरेंस के बीच आनी चाहिए। अर्जेंसी भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी का भी इंपॉर्टेंट चीज है, रॉ मटेरियल्स, ये सब फैक्टर जो है ना, ये सब जो है मतलब कैसे होता है कि अर्जेंसी का मतलब यहाँ हो गया, जैसे कैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे अचानक अभी ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, अभी कोविड में क्या हो गया ना कि अचानक से ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, तो इसी अर्जेंसी में ये हो गया कि भाई अब यहाँ ऑक्सीजन प्लांट यहाँ हमको बैठाना है, अचानक ऑक्सीजन का डिमांड कोविड के कारण ऑक्सीजन का सप्लाई जो है रिक्वायरमेंट बढ़ गया, अब हमारे पास उतना ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, या प्लांट है तो उसको हमको वहां से ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, ऑक्सीजन बना हुआ है लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए
हमारे पास उस तरह का जो जो उसका जो वो होता है ना, उसको मतलब जो कैरेज करते हैं उसको, तो वो हमारे पास नहीं है। तो अर्जेंसी का मतलब ये भी होता है कि आपको टॉप प्रायोरिटी पे जो भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को अब क्या किया जा रहा है, उसको जो इंडस्ट्री में जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था उसको रोक दिया गया है। नहीं भाई, अभी इंडस्ट्री में ऑक्सीजन को अभी आप रोक दीजिए। अब वो सारी जो 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 प्लांट है जहाँ पे इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन बन रहा था, अब उसको रोक क्या प्योर ऑक्सीजन लाइनिंग को, मतलब जो है ये इतने सारे फैक्टर्स फैक्टर्स मतलब वो डिपेंड करता है, जो कि अफेक्ट करता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। अब टाइप्स इसमें क्या, एक एक मैनुअल, इसको बेसिकली यहाँ पर हम लोग तीन पार्ट में डिफाइड कर रहे हैं, जैसे मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग हो गया, ऑटोमेटेड प्रोसेस प्लानिंग हो गया, और जेनरेटिव प्रोसेस प्लानिंग हो गया। तो प्रोसेस प्लानिंग हम लोग यहाँ पे तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड, जैसे मैनुअल मतलब कोई काम मैनुअली कर रहे हैं, जैसे कैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आर्क वेल्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे, तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग देख रहे थे कि मैनुअल आर्क वेल्डिंग था। मैनुअल आर्क वेल्डिंग में क्या था कि जो ऑपरेटर जो उसको फीड करेगा ना, जो इलेक्ट्रिक जो रॉड को जो फीड कर रहा है, जो फीडिंग कर रहा है और जो जो उसको मूव कर रहा है, उसमें दो तरह का मूवमेंट होता है। एक क्या होता है कि इलेक्ट जो भी इसका टॉर्च का मूवमेंट वर्कपीस की तरफ होता है ऐसे करके, और दूसरा मूवमेंट होता है कि वर्कपीस के अलोंग होता है। तो कहना मतलब ये जो दोनों मूवमेंट यदि मैनुअली यदि कोई कोई ऑपरेटर उसको यूज कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल आर्क मीन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। तो मैनुअल प्रोसेसिंग, तो टाइप एक एक हो गया मैनुअल प्रोसेसिंग। दूसरा होता है जैसे हम लोग उसमें देख रहे थे ऑटोमेटेड होता है। तो ऑटोमेटेड में क्या होता है कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि उसमें सेमी ऑटोमेटिक होता है, एक फुल ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटेड में हो गया कि जो भी फीडिंग ऑफ जो तो जो जो मतलब जो इलेक्ट्रोड है, फीडिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोड और उसका दोनों मूवमेंट यदि कंप्यूटर को इसके द्वारा यदि मिस किसी का ये किसी मतलब किसी ऑटोमेशन मशीन के द्वारा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटेड मतलब मीन प्रोसेस प्लानिंग बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये प्रोसेस प्लानिंग को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेथड्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। अब इसके क्या क्या मेथड्स हैं, तो इसे मेथड्स में तुम्हारा हो गया दो तरह का प्रोसेस। एक 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 ऑब्वियस है कि तुम्हारा एक एक तुम्हारा हो गया मैनुअल मेथड हो गया, और दूसरा हो गया कंप्यूटर एडेड। तुम नाम सुने होगे कैड कैम का, नाम सुने होगे कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है ना। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग कैड का यूज के सॉफ्टवेयर के यूज से हम लोग अलग अलग डिजाइनिंग को हम लोग करते हैं। तो डिजाइनिंग में जो आजकल जितना भी डिजाइनिंग हो रहा है, जो तुम देखते होगे जितना भी एरोडायनामिक जो जो भी शेप का, जैसे कि तुम्हारा जैसे जो भी लेटेस्ट कार वगैरह बनता है जिसमें कि होता है कि नहीं भाई उसका एरोडायनामिक डिजाइन करना है, तो उस सब जितना भी डिजाइनिंग सेक्टर में जो ये सॉफ्टवेयर होता है ना, कैड हो गया, कैटिया हो गया है ना, कैटिया होता है तुम्हारा, तुम्हारा प्रोई होता है ना, प्रोई है, एनसिस है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है ना, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो एक प्रोसेस में मैनुअली हम लोग काम करते हैं, दूसरा क्या होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो कहना मतलब कि डिजाइनिंग में ये सब डिजाइनिंग के लिए है ना, जो भी चूंकि मेथड एक्चुअल प्रोसेस प्लानिंग में सबसे पहला काम डिजाइनिंग का होता है। जब तक कोई चीज डिजाइन हमको क्या करना है जब तक तो ये नहीं पता होगा, तब तक हम उसको प्रोड्यूस हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर दो मेथड होता है, कंप्यूटर एडेड एंड मैनुअल मेथड। इस तरीके से हम लोग प्रोसेस प्लानिंग डिजाइन है ना। तो प्रोसेस प्लानिंग डिजाइन के लिए सबसे पहले क्या है कि उसमें मेक ए स्टॉक कैसे होता है कि पहले स्टॉक बनाना होता है, फिर मेक टू ऑर्डर, मतलब कहना मतलब कि दो तरह का, एक होता है कि हम लोग स्टॉक को पहले करते हैं, स्टॉक पहले इकट्ठा करते हैं कि भाई क्या हमारे पास जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल को पहले हम लोग स्टॉक करते हैं, इसके बाद उसको क्या जब जब स्टॉक जब प्रोडक्शन हो जब उसको उसका तैयार हो तो होता है, तो मेक टू ऑर्डर इसको क्या करते हैं, फिर हम लोग उसको एक ऑर्डर के लिए भी हम लोग उसको हम लोग उसको तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा जो है हो गया प्रोसेस प्लान डिजाइन के बारे में हम लोग इस चीज को देखें है ना। मिस ऑर्डर का सेंस यहाँ पर ही मिस मेक टू ऑर्डर का सेंस है कि जो भी हमारा जो मतलब जो भी उसका जैसे कैसे हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमको कोई डिजाइनिंग करना है, तो डिजाइनिंग के लिए उसका अलग अलग स्टेप्स होता है कि भाई पहला फर्स्ट स्टेप में एक तो मेक टू स्टॉक मतलब हमारा क्या हो गया, जो भी हमारा जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी हमारा अलग अलग स्टेप्स है, उस स्टेप्स को पहले हम लोग कंक्लूड करते हैं भाई इतना काम करना है। अब वो काम करना है तो उसको कैसे करना है, मतलब कैसे उसको डिजाइनिंग करना है, तो वो क्या हो गया मेक टू ऑर्डर, उसको हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं। इस तरीके से आप देखो स्टेप्स इन प्रोसेस प्लानिंग। अब उसमें अलग अलग स्टेप्स है, इस स्टेप्स में सबसे पहला डेफिनेशन है ना। डेफिनेशन में हो गया दी फर्स्ट स्टेप इज टू डिस्क्राइब व्हाट द प्रोसेस शुड अकम्प्लिश, मतलब इसमें हमको क्या हमारा प्रोसेस को मतलब कैसे उसको कम्प्लीट करना चाहिए है ना उसको। तो इस तरीके से हमारे यहाँ फर्स्ट स्टेप है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन स्टेज इंटरव्यूज आर कंडक्टेड विद द कंपनी पर्सनल,
टू डिटरमाइन द स्टेप्स एंड एक्शन दे टेक्स एज ए पार्ट ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। क्या मतलब ये प्रोसेस बिजनेस के लिए हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। यदि हमको यदि इस तरह से कोई प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या अलग अलग जो भी उसका जो मतलब रिक्वायरमेंट होता है, तो ऑब्वियस है कि भाई यहाँ प्रोडक्शन करना है तो ऑब्वियस है उसके लिए हमको क्या चाहिए। हमको देखो क्या होता है, मैन मशीन मटेरियल, इसमें तीन चीज़ का इंपॉर्टेंट होता है, मैन मशीन मटेरियल। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट मटेरियल का तुम लोग देख लिए, मटेरियल को ये चाहिए। फिर मशीन का रिक्वायरमेंट हो गया, मशीन का भी तुम्हारे पास जो मशीन चाहिए वो मशीन आ गया। अब मैन पावर भी चाहिए तभी जाके वो प्रोडक्शन होगा। तो अब मैन पावर के लिए जो क्या होता है, ऑब्वियसली मैन पावर के लिए क्या करना होता है, वहाँ पर हायरिंग का प्रोसेस होता है, वहाँ पर हायर करना होता है लोगों को। वहाँ पर हम लोग हायर करते हैं, वहाँ पर जो भी उसमें जो एम्प्लॉय होता है उस एम्प्लॉय का हम लोग यहाँ पर हायर करते हैं ताकि हमारा जो काम स्मूथली हमारा हो सके। तो कहने मतलब ये जो ये इतना एक रिव्यू पॉइंट हो गया, ये सारे चीज़ जो हैं हम लोग देखे इस पॉइंट को यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं कि प्रोसेस प्लानिंग में जो है बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रोसेस प्लानिंग, हाँ, द प्रोसेस प्लानिंग इन मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटीज। सबसे पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ रॉ स्टॉक, हो गया क्लियर है, डिटरमिनेशन ऑफ मशीनिंग मेथड्स, सिलेक्शन ऑफ मशीन टूल्स, सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल्स, क्लियर है, द सिलेक्शन ऑफ डिजाइन ऑफ फिक्सर एंड जिग्स। जिग्स एंड फिक्सर के बारे में हम देखेंगे, होल्डिंग डिवाइस होता है जिग्स फिक्सर, क्या करता है ना वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस होता है। कैसे हम लोग जैसे कि लेथ मशीन में हम लोग उसको फिक्स करते हैं, उसका स्पिंडल होता है जो उसमें उसमें अलग अलग उसमें जाओ जो होते हैं, थ्री जाओ चक होते हैं, तो उसमें उस किसी में उसमें थ्री जाओ होता है, किसी में फोर जाओ होता है। कहने मतलब जिग्स एंड फिक्सर के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेटअप, डिटर्मिनेशन ऑफ द मशीनिंग सीक्वेंस, मशीनिंग का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका अलग अलग प्रोसेस में हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, फिर उसको हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, कास्टिंग बाद मशीनिंग कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो उसका अलग अलग सीक्वेंस होता है। कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ दिस कटिंग कंडीशंस, ऑब्वियस है जो कटिंग कंडीशन उसका हम लोग यहाँ डिटर्मिनेशन कैलकुलेशन करते हैं, जो भी कटिंग कंडीशन में कितना फोर्स, जैसे कोई भी कटिंग फोर्स, जैसे कोई मटेरियल को हम लोग कट करते हैं तो कितना कटिंग फोर्स लगना चाहिए, ये सब कटिंग जो कंडीशन जो अलग अलग उसमें कितना रैक एंगल होना चाहिए, कितना उसका अलग अलग एंगल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अभी। कैलकुलेशन एंड द प्लानिंग ऑफ टूल पाथ, है ना, प्रोसेस प्रोसेसिंग द प्रोसेस प्लान। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका रिव्यू में हम लोग इस फाइनली इस एक लेआउट बना हुआ है, इस लेआउट के आधार पे इसको हम लोग जज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस प्लानिंग। क्लियर है? यस सर। सुन पा रहे हो ना, देखो क्या है ना,